मेरे प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है फेसबुक लाइव में। कल हमने जो देश में अभी चल रहा है, अभी क्यों 2011 से चल रहा है, महिषासुर शहादत दिवस, उसको लेकर हमने बात शुरू की थी। और बात यहाँ से आई थी कि क्या हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को जानते हैं, और चूंकि हम नहीं जानते हैं, इसकी वजह से हमारे सामने हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए नए नए तरह के असुरों को किसी एक जाति का देवता बनाकर पेश किया जा रहा है। एक सिर्फ महिषासुर नहीं है, महिषासुर है, रावण है, बहुत सारे हैं इनका नाम जो है। तो कल का जो हम लोगों ने लाइव किया था, मैंने इसको कई खंडों में कहा, क्योंकि हम अगर अपने शास्त्रों को नहीं समझते, हमने खुद ने अपने पुराणों को रिजेक्ट किया हुआ है, जहाँ से मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा का यह जो चित्रण है वो मार्कंडेय पुराण में आता है। चूंकि हमने खुद ही नहीं पढ़ा है, इसलिए कोई भी हमारे ऊपर एक लांछन लगा के, और देश में 300-350 जगह पे महिषासुर शहादत दिवस होना ये मामूली बात नहीं है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और हर जगह एक देवता पकड़ाया जा रहा है, हर आदिवासी समाज को, हर पिछड़ा समाज को, हर बहुजन समाज को, हर दलित को, हर जाति को, ताकि जो हिंदू समाज है उसका और ज़्यादा डिवीजन किस तरह से हो, किस तरह से इसको तोड़ा जाए। और जितना छिन्न करेंगे अभी समाज को, उतना ही जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ईसाइयत है, जो वामपंथी, वो उतना ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि आप एक संगठित रूप में देखेंगे तो आप 70-80% होते हैं इस देश में, तो उसको किस तरह से छिन्नभिन्न किया जाए, मैं उन सब पे आऊँगा धीरे धीरे। बड़ी बात है कि ईसाइयत का एक बहुत अच्छा ढोंग है कि वो आपके महिषासुर को भी ईसा मसीह के रूप में दर्शाता है, और ये ईसा ही तुम्हारे महिषासुर हैं। किसी स्त्री देवी को मरियम का रूप पहना देता है, उसकी साड़ी पहना देता है, और ये मरियम ही, ये तुम्हारी देवी ही मरियम है। इस तरह से ये उनके देवताओं से उनका आइडेंटिफिकेशन करा के, एक देवता गढ़ा, उससे उनका आइडेंटिफिकेशन किया, और उसके बाद उनको थमा दिया क्रॉस, उनके हाथ में क्रॉस थमा दिया, उनके गले में क्रॉस लटका दिया, अब यही तुम्हारे देवी है। ये जो चल रहा है और बड़े पैमाने पर चल रहा है, हम इस पर पूरी तरह से, मैं सीरीज में पूरा बात करूंगा इसको लेकर। इसमें आज जो मैं आपको इसकी शुरुआत करता हूं, कल चूंकि मैंने आपको वहां तक समझाया था कि कैसे हमारा वैदिक साहित्य का स्ट्रक्चर क्या है, संहिता से लेके पुराण तक का स्ट्रक्चर हमने आपको समझाया था कि हमारा स्ट्रक्चर असल में क्या है। संहिता है, संहिता में चार वेद हैं हमारे, वेदों का जो ज्ञान कांड है वो ब्राह्मण है, सॉरी वेदों का जो कर्म कांड है वो ब्राह्मण है, वेदों का जो ज्ञान कांड है वो उपनिषद हैं, ब्राह्मणों की का जो आखिरी हिस्सा है उसे अरण्यक की शुरुआत होती है, और सबसे आखिर में हमारे पुराण आते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म में 6 दर्शन हैं, बहुत लंबा विस्तार है, मैं अभी आपको मोटा मोटा इन चीज़ों पर लाया हूँ। आज मैं आपको जो हम सब दुर्गा सप्तशती हम सब घर में पाठ करते हैं, और हम बार बार मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानते हैं, तो मैं आज आपको पहले मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाता हूँ कि दुर्गा सप्तशती के जो रचयिता थे वो कौन थे, क्योंकि हमें जब रूट समझ में आएगा। कल थोड़ा सा मैंने एक फैक्ट गलत कहा, हालांकि उसमें सुधारा था, कि ज्वाला जो थे, जो ऋषियों की सेवा करते थे, उनको पता नहीं था कि उनके पुत्र सत्यकाम, उस पुत्र का नाम था सत्यकाम, जो मैं कल नहीं ले पाया था, और सत्यकाम की पहचान ज्वाला के रूप में है, क्योंकि उसका रूट नहीं था, इसलिए उसको अपने पिता का नाम पूछना पड़ा सत्यकाम को। तो हमारे जो रूट से हमको काटे गए हैं, काटा जा रहा है, काटा गया है, उस रूट की पहचान करने के लिए मैं आपको पुराने एक आदि काल में आपको ले चलता हूँ और ले जा रहा हूँ। अभी हमारे नवरात्रि में भी है, 2-3-4 दिन हैं बचे हुए, थोड़ा आवाज़ मेरा बैठ रहा है, मैं उपवास पे हूँ लगातार, तो आवाज़ थोड़ा बैठेगा, थोड़ा सा इसको आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे। तो इस पूरे नवरात्रि में मैं इस पूरे जो ये विमर्श है, मैं इसको आदिकाल से वर्तमान काल तक के बीच में जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं मार्कंडेय ऋषि की कहानी, अभी जो मेरी किताब आई है, देखिए ईश्वर की कृपा है, उस समय मुझे नहीं, मैंने ध्यान में नहीं था, लेकिन जो राजयोगी किताब आई है वो आपको बहुत सारे पुराणों में ले जाती है, बहुत सारी कथाओं में ले जाती है, उसी में से एक कथा मार्कंडेय ऋषि की है, जिनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं।
दुर्गा सप्तशती के रचयिता के रूप में जो है मार्कंडेय ऋषि, वो एक हल्की वो कहानी आपको सुनाता हूं ताकि वो आपको समझ में आए कि मार्कंडेय ऋषि कौन थे। मार्कंडेय ऋषि जो है ये पूरा जो हमारा आप देखते हैं कि उत्तरांचल जो है उत्तराखंड जो है पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है वो पूरा पोर्शन केदारखंड के अंदर गत आता है और केदारखंड में मणिकूट पर्वत श्रृंखला है पूरी जो नीलकंठ तक जिसका फैलाव है और तेथी सागर ये उपग्रह में भी आया है कि उस समय उसमें तेथी सागर वहां से गुजरता था जो पूर्व की ओर शिफ्ट होता चला गया और इस जो मणिकूट पर्वत श्रृंखला है उसी के पीछे शिवालिक पर्वत श्रृंखला है आज भी है। देखिए सबसे बड़ी बात, हमारे इतिहास को मिथक जब कहा जाता है पुरातात्विक साक्ष्य को इग्नोर किया जाता है। हमारे पास वो सारे पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो सारी जगह हैं, वो सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सब कुछ है, इसके बावजूद हमारे इतिहास को अगर मिथक कहा जाता है, इस खड्यंत्र को हमको समझना होगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा भौगोलिक स्थिति समझा रहा हूं। पौराणिक कथा है कि जो मृकंडु ऋषि थे उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से तपस्या की लंबे समय तक। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा मांगो वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। मृकंडु ऋषि ने कहा कि मुझे संतान सुख, आप हे प्रभु आप मुझे संतान सुख दीजिए। शिव जी ने कहा संतान सुख तो मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन तुम्हारे भाग्य में दो तरह की बातें हैं, एक जो तुम्हारा अल्प आयु पुत्र होगा लेकिन वो बहुत ज्ञानवान होगा, क्या तुम्हें ऐसी संतान चाहिए, अथवा बहुत लंबे समय तक जीने वाला दीर्घ आयु लेकिन ज्ञानहीन पुत्र होगा, तुम्हें किस तरह का पुत्र चाहिए। मृकंडु ने कहा हे प्रभु मुझे आप ज्ञानवान पुत्र दीजिए भले ही उसकी आयु कम हो। शिव जी ने कहा तथास्तु और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। मृकंडु ऋषि के घर में एक संतान ने जन्म लिया, उन्होंने उनका नाम मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय की जो कुल आयु थी वो 16 वर्ष निर्धारित थी, सिर्फ 16 वर्ष निर्धारित थी। जब 15वां वर्ष आया तो पिता चिंतित रहने लगे, मृकंडु ऋषि बहुत चिंतित रहने लगे, तो पुत्र रोज उनकी चिंता देखता था, वो कहता था कि आप इतना चिंतित क्यों हैं। तो मृकंडु ऋषि कहते थे कि कुछ नहीं बेटा बस ऐसे ही चिंता है। बोले नहीं पिताजी आप चिंतित हैं। और एक बात और था कि मार्कंडेय ऋषि बचपन से ही विलक्षण थे, शिव जी ने कहा था कि ज्ञानवान पुत्र होगा, बहुत विलक्षण, वेदों की सारे वेदों का ज्ञान था उन्हें, उपनिषदों का ज्ञान था उन्हें, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे तरह से हुई थी, ध्यान साधना योग में वो रहते थे, तो बहुत ही उज्ज्वल चरित्र के और बालक और बहुत ज्ञानवान बालक थे। तो उनको समझते देर नहीं लगी कि उनके पिता किसी चिंता में हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए मुझे पिताश्री कि क्या चिंता है आपकी। तो पिता ने कहा ये सारी कथा मैंने राजयोगी में लिखी है, आप लोग पढ़ेंगे और विस्तृत रूप में है। तो पिता ने वो कहानी कह दिया उनको कि इसकी वजह से मेरी चिंता है क्योंकि तुम्हारी आयु सिर्फ 16 साल है और आज तुम 15 साल के हो गए हो, अगले साल तुम्हारी मृत्यु होगी। शिव जी का यह वरदान था कि तुम हमारे यहाँ एक पुत्र रूप में जन्म लोगे, ज्ञानी होगे जो तुम हो लेकिन तुम्हारी आयु बहुत कम है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा तो इसमें क्या चिंता की बात है, जो भी इस मृत्यु लोक में आया है उसे तो एक दिन जाना है। तो पिता ने कहा कि वो ठीक है जाना तो है लेकिन अगर शिव जी ने कहा कि ज्ञानवान पुत्र होगा तो तुम्हारा कोई ध्येय होगा, कुछ नियति ने तुम्हारे लिए तय कर रखा होगा जो अभी सामने नहीं आया है, तो मेरी इच्छा है कि तुम शिव जी की तपस्या करो। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, उन्होंने कहा तुम शिव जी की तपस्या करो, उनके वरदान से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके वरदान उनके वरदान से ही तुम जो है मृत्यु के फास को काट पाओगे। पुत्र ने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है पिताश्री आप जैसा कहें। तो इसी मणिकूट पर्वत श्रृंखला के पास एक सात गांव का जगह है, आप पहाड़ से देखेंगे तो वहां से एक ओम की आकृति गांव पे दिखती है, पूरे जो सात गांव है पूरा वहां पे एक ओम की आकृति दिखती है उस पहाड़ की ऊंचाई से। वहीं पे जो है जामल गांव है, जामल गांव के पास सात कुंड हैं, वहीं मार्कंडेय ऋषि को पिता ने कहा और वहां उन्होंने तपस्या आरंभ की। आप पूरे ऊंचाई को, पूरे गांव और पूरे कुंड को देखेंगे तो ओम दिखेगा, जैसे प्रकृति ने उसका चयन किया है, उस जगह का चयन किया है। आज भी चूंकि मैं इसलिए गया क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी लिख रहा था और पूरी किताब में
पुराणों का, ऋषिकेश, पूरी ऋषिकेश का इतिहास है, नाथ पंथ है, अयोध्या आंदोलन है, तो पूरा पूरी पौराणिक इतिहास को मैंने मॉडर्न इतिहास से जोड़ा है। और आदित्यनाथ का गांव, योगी आदित्यनाथ का गांव वहीं पर है, पंचूर जामल गांव के पास ही है, जहां पे मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या, वो पूरा एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसलिए मैं वहां गया था। और फिर वहां के जो लोक कथाओं, जो ऋषि हैं, इतिहास के जो प्रोफेसर हैं, लोक कथाओं में जो है, उन सबको निचोड़ करते हुए मैंने वो कहानी मार्कंडेय ऋषि की लिखी थी। तो आप देखेंगे कि वहां जब मार्कंडेय ऋषि ने तब बालू का शिवलिंग बनाया उस गांव में, और वहां पे कुंड के बीच में, सात कुंडों के बीच में, और उन्होंने तपस्या आरंभ की। जब उनका समय पूरा हो गया, 16 साल की आयु पूरी हो गई, तो यमराज आया और उसने कहा, काली छाया विकराल रूप, मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तुम कौन हो? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूं, मृत्यु का देवता हूं, और मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूं, हरने आया हूं, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो गया है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने साथ ले चलना, लेकिन ये जो मैं शिव जी की तपस्या कर रहा हूं, इसको पूर्ण होने दो। मेरे पिता ने कहा है कि तुम्हें महामृत्युंजय मंत्र की रचना करनी है, तुम्हें शिव की पूजा करनी है, इसलिए मुझे तपस्या पूर्ण होने दो, और फिर मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चलूंगा। यमराज ने कहा, नहीं, मुझे ये नियति ने मेरे लिए ये तय नहीं किया है, हमें हर किसी की इच्छा को अगर हम मानने लगे तो कोई भी मृत्यु तो चाहेगा ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ले ही मुझे तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और उन्होंने यम फांस डाला उस पर, उनके प्राण को हरने के लिए। मार्कंडेय ऋषि उस शिवलिंग से लिपट गए, जो बालू का शिवलिंग था वो कठोर हो गया, और मार्कंडेय ऋषि उससे लिपट गए। मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपटते ही भगवान शिव प्रकट हुए, और उन्होंने यमराज से कहा, ये मेरा भक्त है, मेरे ही आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ है, अभी वो मेरी तपस्या कर रहा है, इसकी आयु को मैं बढ़ाता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। यमराज ने कहा, नहीं, नियति जो है, जो विधान आप त्रिदेवों ने तय किया है, और जो नियति के वशीभूत तो देवता भी हैं, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, एक मनुष्य को मैं कैसे छोड़ दूँ। कहते हैं लोक कथाओं में, वहां के उस लोक कथाओं को मैंने राजयोगी में लिखा है, कि यमराज और शिव में युद्ध होने लगा, शिव जी ने उन्हें एक लात मारा और वो दूर जा गिरे, बहुत दूर। जहां वो गिरे, जिस जगह वो गिरे, आज वहां यमकेश्वर महादेव है। यमकेश्वर महादेव पौरी गढ़वाल में नीलकंठ से भी पुराना है। यम के ईश्वर यानी शिव, जिन्होंने यम को पराजित किया, वो शिव, जहां वो यमराज गिरा वहां यमकेश्वर महादेव हैं। और जहां ये युद्ध हुआ, उस गांव का नाम, आज भी उस गांव का नाम है जामल, मल युद्ध। यमराज और शिव का जहां मल युद्ध हुआ, उस गांव का नाम है जामल। जो वेस्ट साइड है, जो पश्चिम की दुनिया है, वो पुरातात्विक साक्ष्यों को अपने लिए कुरेद कुरेद के कूड़ा करकट बिन के इतिहास बनाती रही है, लेकिन हमारे यहाँ गांव है, वो पुरातात्विक साक्ष्य है, वो पर्वत श्रेणियां है, वो रेगिस्तान है, वो नदी है, वो सब कुछ है, समुद्र में डूबी द्वारका है, समुद्र से झांकता राम सेतु है, लेकिन फिर भी हमारा इतिहास मिथक है। ये तर्क, ये कुतर्क पश्चिम का पूरा समाज चलाता रहा है, मैक्स मुलर से लेकर सारे इतिहासकार जो भी बाद में हुए, बाद में मार्क्सवादियों ने चलाया, और बाद में श्रीमान नेहरू जी के को आइडिया ऑफ इंडिया के जनक मानने वाले कांग्रेसी इतिहासकारों ने चलाया। हम सब मिथक हैं। रचना तो वक्त भारत को तीन लोगों ने बनाया, इन आधुनिक इतिहासवादियों के हिसाब से भारत को सबसे पहले मुगलों ने बनाया, दूसरा ब्रिटिशर्स ने बनाया, और तीसरे आइडिया ऑफ इंडिया के जनक नेहरू जी ने बनाया, बाकी कोई भारत नहीं। लेकिन हमारा भारत गांव में बिखरा हुआ है, हमारे लोक कथाओं में है, इसलिए ये चाहकर भी उस इतिहास को नहीं मिटा पाए। वही मार्कंडेय ऋषि को शिव जी ने कहा, तुम यहीं तपस्या करो, और यहीं से उन्होंने दुर्गा सप्तशती की रचना की। लेकिन नहीं, दुर्गा सप्तशती की रचना सिर्फ नहीं हुई, हमारे जो 18 पुराण है, जिसे हम सब ने, पश्चिम ने तो ठुकराया है, क्योंकि उसमें हमारा पूरा इतिहास है, उसको काल्पनिक, कपोल काल्पनिक कहा। हमारे खुद के महर्षियों ने भी पुराण को, उन्होंने, वो जानते थे कि मूढ़ मनुष्य हैं, वो इसको पकड़ के बैठेंगे, इसलिए उन्होंने पुराणों को
रिजेक्ट कर दिया, और पुरानों को रिजेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो पौराणिक देवता हैं वो सब रिजेक्ट हो गए। माँ दुर्गा वही हैं। मार्कंडेय पुराण को 18 पुराणों में सातवां पुराण माना गया है। मार्कंडेय पुराण, जो पुराणों का क्रम मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा, पुराण गीता प्रेस से ले लीजिए, उनको पढ़िए। पुराणों का क्रम है, पहला है ब्रह्म पुराण, और इसकी जो ये क्रम है वो भी मार्कंडेय पुराण में मिलता है। मैंने मार्कंडेय पुराण से ही ये लिया है, मैंने यहाँ वहां से नहीं लिया है, मार्कंडेय पुराण से जो लिया है उसका क्रम बताता हूं। पहले ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारदीय पुराण जिसको हम नारद पुराण कहते हैं, मार्कंडेय पुराण, ये सातवां पुराण है। इसी मार्कंडेय पुराण में जो है आपको दुर्गा सप्तशती जो है कि कथा आती है, मैं आगे बताता हूं। अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैर्त पुराण, नरसिंह पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। कल कुछ लोगों ने कहा था कि आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, 18 पुराण हैं, तो मैंने 18 पुराण यहाँ वहाँ से नहीं लेकर मार्कंडेय पुराण से लेकर आपको बताया है, कहीं कोई गूगल से नहीं बताया है मैंने आपको कि क्रम, और क्रम से बताया है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से 18 पुराण निकले, जिसको वेद व्यास जी ने जिसको संकलित किया। वेद व्यास जी का बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय पूरी जो मेधा है उसमें वेद व्यास सर्व प्रमुख हैं, और ईश्वर ने अगर कभी मुझे अवसर दिया तो वेद व्यास की जीवनी के जरिए मैं बहुत सारी कहानी कहूँगा आगे जाकर, कभी मैं लिख पाया तो, ईश्वर ने अगर चाहा तो। तो अब आपने पुराण को रिजेक्ट किया, दुर्गा कैसे, देखिए दुर्गा कैसे, हमने काल्पनिक बनाया उसको, दुर्गा को कैसे काल्पनिक बनाया वो कहानी मैं आता हूं, लेकिन चूंकि हमने पुराणों को रिजेक्ट किया, महाभारत के बाद जब बहुत ज्यादा निराशा व्याप्त हो गई थी समाज में, तो उसको सरस बनाने के लिए और सरस के साथ उसमें अध्यात्म और ज्ञान को लोगों को सहज भाषा में उपलब्ध कराने के लिए वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, संकलित किया मानते हैं। लोगों ने बहुत सारे कल लोगों ने कहा कि उसमें अश्लीलता है, उसमें अशोभनीय बातें हैं। क्या होता है उसकी भी एक कहानी आपको बताता हूं। वेद व्यास जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके पुत्र थे सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि घर से निकले संन्यास लेने के लिए बहुत बालपन में, और वेद व्यास जी त्राही त्राही करने लगे, पुत्र कहाँ जा रहे हो तुम। सुखदेव मुनि नग्न निकल गए, नग्न निकल गए, तालाब में स्त्रियां नहा रही थी उस समय, उस काल में स्त्रियां तालाब में जब सखियों के साथ नहा रही थी, वो भी बिना वस्त्र के नहा रही थी। सुखदेव मुनि चलते चले गए, स्त्रियों ने किसी वस्त्र की परवाह नहीं की, वो उसी तरह नहाती रही, खुश होती रही। सुखदेव मुनि आगे से गुजर गए, पीछे से व्यास जी उसको कुछ उनका पीछा करते हुए जब आ रहे थे, व्यास जी ने पूरे कपड़े पहन रखे थे। स्त्रियों ने व्यास जी को जब आते देखा तो स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए, लज्जा के मारे दौड़ी, कपड़ों के लिए दौड़ी। व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए। व्यास जी ने कहा उन स्त्रियों से कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि सुखदेव तो नग्न निकला है, इसके बावजूद तुमने उनके साथ लज्जा नहीं की, तुम निर्वस्त्र नहाती रही, लेकिन मैं तो वस्त्र में हूँ, इसके बावजूद तुम लोगों ने वस्त्र पहना, तुम्हें मेरी वजह से लज्जा हुई, तुम छिप गई, झाड़ियों के ओट में गई, पानी में अपने आप को छुपा लिया, आखिर क्यों। जो स्त्रियों ने कहा वो हम आप सब पे लागू होता है। स्त्रियों ने कहा कि सुखदेव मुनि जो हैं उनकी आँख में काम वासना नहीं है, उनकी आँखें निर्मल है, सुखदेव मुनि निर्वस्त्र होते हुए भी काम से मुक्त हैं, काम दग्ध हैं, लेकिन आप व्यास ऋषि जिन्होंने सब पूरे वेदों को कई भागों में बांटा, सबको संकलित किया, महाभारत जैसे लाख श्लोक वाले महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, भारतीय साहित्य को एक रूप दिया, आप अभी भी काम से पीड़ित हैं, आपकी नज़रों में अभी भी काम भाव है। तो पुराणों में आपको काम भाव दिखेगा क्योंकि आपकी आंखें काम से पीड़ित हैं। भारत का समाज काम को लेकर पुरुषार्थ में उसने जगह दिया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
जिसके बिना ये सृष्टि नहीं है वो आपको लज्जा की बात लगती है, जिसके बिना ये सृष्टि नहीं है वो आपको अशोभनीय लगता है, जिसके बिना ये सृष्टि नहीं है, जिसके बिना आपका वो जिस मुख से आप अशोभनीय कह रहे हैं आप नहीं है वो आपको अशोभनीय लगता है। भारत का जो साहित्य है उसने काम को, जब मैं अभी इसी राजयोगी में जब मैं योग को समझा रहा था, पढ़ रहा था गोरखनाथ जी से, मूलाधार से आपकी पूरी ऊर्जा जो है, मनुष्य की पूरी एक ही ऊर्जा है जो सक्रिय है वो काम ऊर्जा है, और वो किसी ऊर्जा को नहीं जानता, बाकी द्वारों को जगाना पड़ता है। एक द्वार है जो जगा हुआ है, वो मूलाधार है, हमारा मूल है, और उस मूलाधार से ही सहस्रार तक की जो यात्रा है काम ऊर्जा का ही, काम से राम तक की यात्रा है। पूरा साहित्य, पूरा आप जो देवता कहते हैं कि मनुष्य ब्रह्म हो जाता है, वो काम से ही को जब सहस्रार में स्थित करता है वो ब्रह्म हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि शुक्र की जो यात्रा है उसको कैसे यात्रा करानी है, आधुनिक रूप में वही ओशो ने कहा जिसको हम लोग जानते हैं, लेकिन गोरखनाथ जी ने हमें कहा, हम कोई नहीं जानते वो क्या योग था, हम हठयोग कह के निकल जाते हैं, हमने पढ़ा नहीं। इसलिए इस किताब को लिखने में मैंने बहुत सारे पुराणों को, बहुत सारी चीजों को, जगह उस जगह पे भी जाकर उस पुराणों के साथ भी मैंने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, जाना, समझा, जीवन को मैं खुद अध्यात्म में जीता हूँ, ध्यान में जीता हूँ, इसलिए आपकी आंखों में दिखेगी। क्योंकि महाभारत काल के बाद समाज में एक निराशा व्याप्त हो गई थी, बड़ी संख्या में मानव हताहत हुए थे, मनुष्य मतलब संख्या कम हो गई थी इतना बड़े भारतवर्ष में, तो संतति के लिए, प्रजनन के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए हमारे जो पुराण है वो अध्यात्म के साथ साथ आपको गृहस्थ जीवन की भी शिक्षा देते हुए चलते हैं। हमारे जो लोगों ने नहीं समझा और जिनको सिर्फ काम समझ में आया वो उस समय का एक युद्ध की विभीषिका नहीं समझ में आई, जब समाज पुरुषहीन हो रहा था, पुत्रहीन हो रहा था, स्त्रियों से हीन हो रहा था, बड़ी संख्या में विधवाएं थी समाज में। पुराणों की रचना पूरी साइकोलॉजिकल है, पूरा एक उसका मनोविज्ञान है, लेकिन उस मनोविज्ञान को समझे बिना, चूंकि एक महर्षि ने किसी ने कहा हमने उसको रिजेक्ट किया, हम क्यों नहीं पढ़ते, मैं तो पढ़ता हूं। धर्म वही है कि आप जिसे धारण करेंगे और आप उन चीजों को धारण करें। गुरु हमें मार्ग दिखाता है, गुरु हमारे साथ नहीं जाता है, गुरु सिर्फ और सिखाता है, ज्ञ की यात्रा खुद करनी पड़ती है। इसलिए गुरु ने कह दिया वही ब्रह्म लकीर नहीं हो गया, वरना कोई राम रहीम, कोई रामपाल, ऐसे गुरु पैदा होते जाते हैं और लोग उस पर मूर्ता से विश्वास करते हैं। गोरखनाथ ने कहा ज्ञान सरीखा गुरु न मिल्या, ज्ञान से बड़ा कोई गुरु नहीं है, और वो ज्ञान आधुनिक समय में हमारे शास्त्रों में है, हमें उसे पढ़ना होगा, हमें उसे जानना होगा। अब हम आते हैं कि जब हमने पुराणों को रिजेक्ट किया तो हमने क्या क्या खोया, हमें हमारे इतिहास को मौर्य काल से समझाते हैं, लेकिन जो पूरी मनु वंश की जो उत्पत्ति है, मनु वंश में कितने राजा हुए वो पुराणों में है, वो इस मार्कंडेय पुराण में है, वो हमारे आप देखिए श्रीमद् भागवत पुराण में है। मैं पुराण पढ़ता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, श्रीमद् भागवत पुराण में है। हमने क्या क्या, हमने जम्बूद्वीप जो भारत के जो रचना आर्यावर्त की, उसकी पूरी रचना मार्कंडेय पुराण में है। आपने उसे खो दिया इसलिए वो मौर्य काल से समझाते हैं और समझाते हैं आर्य आए भारत बनाए, इसलिए समझाते हैं क्योंकि आपने, हम जब पूजा करते हैं घर में सत्यनारायण भगवान पूजा, जम्बूद्वीपे भारत खंडे बोलते हैं ना पूजा, आप दोहराइए मंत्र दोहराइए, वो जो द्वीप है, वो जो भारत का खंड है, उसकी पूरी रचना मार्कंडेय पुराण में है। आपने पुराण ठुकराया, आप भारत की पूरी भौगोलिक ऐतिहासिक संरचना से आप विलुप्त हो गए, और कहीं से एक मैक्स मुलर आया और आपको बताया कि आपके पूर्वज विदेशी हैं। आपने जो गंगा जी की उत्पत्ति हुई माँ गंगा की, उसकी कहानी हमें पुराणों में मिलती है। आपने उस गंगा को, इसलिए गंगा को एक नदी बना के रख दिया, गंदा नाला बना के रख दिया। सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई वो मार्कंडेय पुराण में उसकी कहानी है। हम सरस्वती नदी कहाँ जानते हैं आप बताइए, विलुप्त हो गई उसकी कथा हम कितने बच्चे लोग जानते हैं हमारे, वो पुराणों में है क्योंकि आपने पुराण को रिजेक्ट किया। भारत का इतिहास पुराणों में है, भारत का ज्ञान उपनिषद में है, भारत का आधार वेदों में है, भारत का कर्म कांड ब्राह्मण में है, भारत की कथा, भारत की पूरी संस्कृति, भारत का पूरा इतिहास का निचोड़ रामायण और महाभारत में, भारत का पूरे दर्शन वो हमारे छह दर्शन में। किस किस को आप रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करेंगे तो आप जड़ से कटेंगे, उसका परिणाम आपने देखा है।
भारतवर्ष की पूरी नदियां, पूरे पर्वतों का जो चित्रण है वो हमारे मार्कंडेय पुराण में मिलता है। सूर्य की उत्पत्ति की जो पूरी कथा है, जिस भगवान भास्कर को हम जल देते हैं सुबह, जिनकी वजह से सुबह है, जिनकी वजह से शाम, जब वो ढलते हैं तो रात अंधेरा होता है, हमारे बिहार में छठ पर्व कहते हैं, उस सूर्य की उत्पत्ति की पूरी कथा मार्कंडेय पुराण में है। सूर्य को क्या इग्नोर करेंगे? आपने पुराण को तो इग्नोर कर दिया, ढक दीजिए सूर्य को, आप लगा दीजिए टेंट अपने घर के ऊपर, सूर्य की उत्पत्ति की कथा पुराणों में है। ओम जो हमारा गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उसमें ओम भू भुवः स्वः की उत्पत्ति है जो ब्रह्मा के मुख से, मार्कंडेय पुराण में ओम, हम सब ओम बोल देते हैं, ओम की उत्पत्ति की कथा हमें मार्कंडेय पुराण में मिलती है। आपने क्या क्या खोया है मैं ये बता रहा हूँ। दुर्गा तो आदिशूर दिवस मना रहे हैं जिसकी वजह से हम ये चर्चा कर रहे हैं, पर आपने क्या क्या खोया है अपने शास्त्रों को इग्नोर करके, उनको उन पर ध्यान नहीं देकर, उन्हें उपेक्षित करके, क्योंकि पुराणों में तो अश्लीलता भरी है, अश्लीलता आपके आंखों में है, अश्लीलता कहीं नहीं है। मुझे तो किसी स्त्री में कोई नग्नता नहीं दिखती, और जिन्हें दिखती है वो बलात्कारी के रूप में हमारे समाज में सामने है। तो आप क्या हैं? अहम ब्रह्मास्मि से कहने से नहीं होता, हम क्या हैं, हम क्या बन रहे हैं, हमारी क्या सोच है, हमारी किस तरह की दिशा है, वो उस पर निर्भर करता है। ये कह देने से नहीं होगा कि अश्लीलता है, अश्लीलता मेरे अंदर है, मेरी आंखों में है। इसलिए आपको इसी राजयोगी में मैं बताऊंगा, उसमें है जो वज्रयानियों में बहुत बड़ी संख्या में अपनी माता के साथ काम करते थे, अश्लीलता वहां थी, माता की हम पूजा करते हैं, तो क्या आप कहोगे कि पूरे भारतीय समाज ने ऐसा किया? वो जो कौली प्रथा थी वो किस तरह की प्रथा थी, ये मैंने समझाया है, तो क्या पूरे समाज में थी? अश्लीलता हमारे दिमाग में होती है, हमारे आंख में होती है, और हमारी परवरिश में होती है, हमने ठीक ढंग से उसको नहीं समझा है। इसलिए अश्लीलता को बहाना मत बनाइए। और उस समय काम को इस रूप में इसलिए पेश किया गया कि महाभारत एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध जिसको कहिए, पूरी समाज नष्ट हो गया था, पूरा समाज, समाज में जनसंख्या नहीं थी, राजा किसका होगा जब जनसंख्या नहीं होगी, आज के परमाणु युद्ध में आपने देखा जापान में। इसलिए स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, वो एक स्थूल है जिसमें सूक्ष्म अध्यात्म का भाव छुपा है, आपने सूक्ष्म नहीं पकड़ा, स्थूल पकड़ लिया, और क्या कहा कि हमने पुराणों को ठुकरा दिया, हमने पुराणों को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने की वजह से आज माता दुर्गा रिजेक्ट करने की किसी में हिम्मत हुई है, वो हमारी वजह से हुई है, वरना इन असुरों में ये ताकत नहीं थी कि माता दुर्गा को रिजेक्ट कर सकती, लेकिन उन्होंने किया, और माता दुर्गा को सेक्स वर्कर कह दिया आपकी नजर के कारण, क्योंकि आपने पुराणों में गंदगी देख ली, उन्होंने वो गंदगी को प्रोजेक्ट कर दिया है। आज आपको गुस्सा आता है माता दुर्गा को कोई सेक्स वर्कर और वेश्या लिखता है तो, लेकिन आपने क्या किया है, उसी पुराणों को तो आप भी गाली दे रहे हैं, कहां फर्क है? आंख खोलिए, जो वो कर रहे हैं वो हमारे धरातल पे कर रहे हैं। एक मैक्स मुलर आया, एक विदेशी आया, कोई भी विदेशी, मैक्स मुलर मुझे याद है तो मैक्स मुलर कर रहा हूं, सारे उन्होंने कहा कि ये रिजेक्ट, ये तो मिथक है, ये है, हमारे ऋषियों ने भी कहा ये मिथक है आजादी के बाद के। इसलिए उपनिषद के उद्धारक तो हो गए आदिशंकर और विवेकानंद, पुराणों का उद्धारक कोई नहीं हुआ, क्योंकि किसी में यह हिम्मत नहीं हुई कि रेत को छान सके, उसमें से छान कर आपको बताया, क्योंकि उसी वक्त समाज पत्थर लेके उठ जाता है, मारने के लिए दौड़ जाता है। इसलिए हमारे यहां इस तरह की, अब हम आधुनिक काल में आते हैं, दो बड़े इतिहासकार हुए, वामपंथी इतिहासकार कह लीजिए, थिंकिंग उनकी, बीसी मजुमदार और बीडी कौशाम्बी, जिन्होंने ये लिखा कि जो ये मार्कंडेय पुराण से पूर्व पूरे वैदिक युग में कहीं भी हमें दुर्गा की स्तुति नहीं मिलती, दुर्गा नहीं मिलती है, इसलिए दुर्गा एक मिथक है, इस इतिहासकारों ने, मॉडर्न इतिहासकारों ने कहा। और महिषासुर चूंकि मिलता है, देखिए दुर्गा नहीं मिलती लेकिन महिषासुर मिलता है, आप इस गप को समझिए ये कितनी बड़ी साजिश। और महिषासुर जब मिलता है तो महिषासुर एक राजा है जो किसी आदिवासी का है, कहीं के असुर का है, किसी दलित समाज का है, किसी बहुजन समाज से उसको जोड़ते हैं, और उसकी अब जब मिथक है लेकिन उसकी हत्या चूंकि दुर्गा ने की, अब दुर्गा प्रकट हो गई तो दुर्गा हत्यारी हो गई। किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, किस तरह से कोई बकायत हमें समझाता है
कि गौरी लंकेश पे आप चर्चा मत कीजिए, कुतिया शब्द कीजिए। ये वही कहानी है। गौरी लंकेश क्या लिखती है, अभी मरी है, गौरी लंकेश लिखती है महिषासुर मेरे अपने हैं। गौरी लंकेश का एक लेख है इस पर बहुत बड़ा कि महिषासुर जो है हमारा अपना महिषासुर, ये गौरी लंकेश ने लिखा है, वो लेखा पढ़िए। वो कहती है कि मैसूर के राजा थे, मैसूर का नाम पड़ा महिषासुर से, और वो कहती है चामुंडी ये ब्राह्मणवादी लोग हैं जिसने हत्या की। ये पूरा जो डिस्कोर्स हो रहा है वो डिस्कोर्स इसलिए हो रहा है कि हम अपने शास्त्रों में नहीं झांकते हैं। अब बी डी कौशाम्बी और मजुमदार ने जो कहा उसको जवाब देने के लिए मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग व्रत कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, कहते हैं मैं पाठ कर रहा हूं, मैं आज इतना पाठ किया वो किया, और व्रत की थाली पे टूटे पड़े हैं। दुर्गा सप्तशती में क्या आपको ऋग्वेद का सूत्र नहीं मिलता? दुर्गा सप्तशती में ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त नहीं है? जब मजुमदार और कौशाम्बी लोग जैसे लोग ये बोलते हैं कि हमें वहां नहीं मिलती देवी, तो क्या हमारे यहां से कोई डिस्कोर्स कोई सवाल जाता है? दुर्गा सप्तशती तो हर किसी के घर में रखा है, क्या कोई किसी ने लिखा? जो ऋग्वेदोक्त जो सूक्त है उसमें आप देखेंगे कि जो एक उसमें महर्षि उसमें लिखा है कि अभिन्न की कन्या का नाम वाक था, अभिन्न की कन्या का नाम वाक था। मैंने आपको कल बताया था कि पुराण हमारे अखबारी लेख नहीं है, दुर्गा है हमारी, दुर्गा के कितने नाम है, कितने नाम है, नाम ही आप पढ़ते जाइए। ये वेस्टर्न थिंकिंग के लोग कहां समझ पाएंगे, उनके अंग्रेजी शब्द के एक से दो शब्द होते हैं, हमारे यहां तो शब्द ही शब्द है। तो दुर्गा सप्तशती में है, आज जाइएगा घर शाम का, अगर रात का पाठ करें, रात्रि सूक्त करें, का पाठ करें, या कल सुबह पढ़ें आप, क्योंकि ना इस नवरात्रि को में आपको पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उसमें देखिएगा कि आपको ऋग्वेदोक्त देवी सूक्त मिलेगा। उसमें है कि जो महर्षि अभिन्न की कन्या का नाम वाक था और वह ब्रह्मज्ञानी थी, और उसने उसमें लिखा कि देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी, अर्थात देवी के स्वरूप को उसने अपनाया था, वो देवी थी। कहने का ढंग अलग है, यहां सीधे सीधे आज के इतिहासों की तरह नहीं कहा जाता। पश्चिम का इतिहास को आप लोगों ने मानदंड बना लिया है, जिसकी वजह से सारी व्यवस्था आपकी गड़बड़ाई है, हमारी गड़बड़ाई। वो कहती है, वो जो वाक देवी है वो क्या कहती है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूं। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूं। वेद के जो मेन देवता हैं वो इंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि हैं, उन सबको धारण करने वाली सर्वशक्तिमान तो हमारे ऋग्वेद में ही लिख दिया, लेकिन कौशाम्बी को नहीं दिखेगा। आपसे वो जो एक और इतिहासकार मैंने बताया, मजुमदार साहब को नहीं दिखेगा, वामपंथी चश्मे से कुछ नहीं दिखता ना। वो कहती है कि मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को धारण करती हूं। पूषा वेद के देवता है, जो हविष्य से संपन्न हो, देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोम रस द्वारा तृप्त करता है। सोम की पूरी पूजा पूरी, अब ऋग्वेद पढ़ी, मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, ऋग्वेद मैंने पढ़ा है, मैं किसी के अंग्रेजी या किसी के भाष्य या किसी की टीका नहीं पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूं आपको कि सोम रस के द्वारा तृप्त करता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूं। देवी है, ऋग्वेद में है, और हमें सिखाया जा रहा है कि देवी नहीं है, ये वेद के बाद है, इसलिए कल्पना है, ये वेद वेद की देवता नहीं है। अब मैं आपको मजुमदार साहब का, ये मैंने आपको दुर्गा सप्तशती बताया, अब मैं आपको मजुमदार साहब को पढ़ के सुना देता हूं कि मजुमदार साहब क्या लिखते हैं, उनकी लेखनी और उनका इतिहास पढ़ते हुए हम आप जो हैं बड़े हुए हैं, वो महोदय क्या लिखते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा जो है, बीसी मजुमदार लिखते हैं 1906 में लिखते हैं, 1906 में लिखते हैं, आई नीड हार्डली पॉइंट आउट दैट नाइदर द वेदास नॉर द ओल्ड वैदिक लिटरेचर, कि मैंने इसको पॉइंट आउट किया है कि ना वेद में और ना ही वैदिक लिटरेचर में न्यू द नेम ऑफ दिस माइटी गॉडेस,
द नेम ऑफ दिस माइटी गॉडेस दुर्गा के बारे में मैं नहीं जानता हूं, उन्हें क्या पता है। किसी ने तो गौ की पूजा है उस वेद में, और किसी आरसी शर्मा इतिहासकार ने तो कह दिया गाय का मांस खाते हैं। गो मतलब इंद्रिय होता है, लेकिन वो शब्द नहीं जानते। संस्कृत की जो रीच है, संस्कृत का की जो संपन्नता है, उससे विपन्न लोग, दरिद्र लोग, मानसिक रूप से रुग्ण लोगों ने हमें गौ का हत्यारा बना दिया। हमें बताया कि वेद में देवी ही नहीं है, ऋग्वेद में माता के रूप में पृथ्वी की कितनी आराधना है, मैंने पढ़ा है। इसलिए तो हम जब नहीं पढ़ते हैं तो ये समस्या आती है। और उसी मजुमदार कौसाम्बी को आगे 25 अक्टूबर 2011 को जेएनयू ने स्टेबल किया। 25 अक्टूबर 2011 को जब केंद्र में एक ईसाइयत क्रिश्चियन मिशनरी के समर्थन वाली सरकार थी, क्रिश्चियन मिशनरी के समर्थन वाली सरकार में ही हमारे शंकराचार्य भी गिरफ्तार हुए थे, क्रिश्चियन मिशनरी के संरक्षण वाली सरकार में ही तमिलनाडु में धर्मांतरण बिल को खत्म किया गया था, जो बना फिर खत्म किया उसको। उसी वक्त महिषासुर दिवस बड़े पैमाने पर मनाने की शुरुआत इस देश में हुई। 25 अक्टूबर 2011 ये तिथि मत भूलिए, ये जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय से जन्म लिया हुआ तिथि है। उसके बाद आज इस नवरात्रि में 350 जगह पर महिषासुर शहादत दिवस मनाया जाता है, और उसके लिए महिषासुर एक जन नायक, महिषासुर ढेकना, महिषासुर फलना, पूरी साहित्य रचा गया। आपको एक एक फॉरवर्ड प्रेस आप देखिए, पूरी क्रिश्चियन मिशनरी फंडेड, ऐसे ऐसे सारे बहुत सारे मैगजीन है, प्रेस है, जो वहां से फंडेड है, कैसे उसको स्टेबल कर रहे हैं, एक एक की कहानी में बताऊंगा। ये 9 दिनों का देवी का तो मैं चूक गया, क्योंकि हम 5-6 दिन हमारा जो नवरात्रि का बीत चुका है, अब आगे 3-4 दिन है, पर मैं इस पूरे 3 दिन आपको पूरे महिषासुर पुराण से लेकर और आधुनिक विज्ञान तक को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज हम इतना ही करते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा कि महिषासुर शहादत दिवस को स्टेबल करने वाले वो नाम कौन कौन है, वो सबके नाम बताऊंगा, आप याद रखिएगा, वो जगह बताऊंगा जहां जहां हो रहा है, वो कारण बताऊंगा कि क्यों किया जा रहा है, वो सारी जातियों का नाम बताऊंगा जिन जातियों को इससे जोड़ा गया है देश को तोड़ने के लिए, और कुछ और उन असुरों का नाम बताऊंगा जो महिषासुर के बाद जिनको स्टेबल करने के लिए मिशनरी फंड कर रही है। तो मैं आज इसको यही खत्म करता हूं, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोज में, हाँ एक बात जाते जाते मैं आपको कह दूं कि कल के जो हमारा FB लाइव था, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में फोन मैसेज आए विदेशों से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, सब जगह से फोन आए हैं। उन सब की जो का जो कहना है कि संदीप जी आप ये सही कह रहे हैं, हम अपने, और विदेशियों में ज्यादा पीड़ा है, हमारे में तो पीड़ा ही नहीं दिखती ना मुझे, विदेशियों में जो अपनी संस्कृति को लेकर वहां उनके घर में हिंदी बोली जाती है, हमारे घर में थोड़ा सा काऊ-माऊ होने लगता है हिंदी बोली जाती है, हम अपनी मूल भाषा भूल जाते हैं, हम मैथिली में बात नहीं करते, भोजपुरी में बात नहीं करते, अवधी में बात नहीं करते, लेकिन एक बंगाली सबसे पहले बंगला में बात करता है, एक कन्नड़ कन्नड़ी भाषा में बात करता है, मलयाली मलयाली में बात करता है। सबसे ज्यादा समस्या नॉर्थ इंडियन लोगों की है, पूरी मानसिकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स मुगल से लेके सबसे ज्यादा गुलामी क्षेत्र ने भोगा है, इसलिए यहाँ के लोगों की मानसिकता आज तक गुलाम। मेरी बात आपको पीड़ा देगी, वो पीड़ा मुझे भी दे रही है, मैं बोलने में भी पीड़ा हो रही है। तो विदेश के लोगों ने जो कहा मुझे कि संदीप जी हम पुराण तो नहीं पढ़ पाएंगे, इतना समय नहीं है, आपने अंग्रेजी में भी कुछ चीजें हैं तो वो हमारे समझ में, उसमें कई तोड़फोड़ है, आप हमें ये छोटे छोटे वीडियोज करके अगर आप हमारे लिए कर सकते हैं, मेरे लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये संभव नहीं है, इसलिए संभव, मैं अकेला हूँ, फेसबुक लाइव कर रहा हूँ। ये जो जिस तरह के कह रहे हैं कि आप 7 दिन का कोर्स चला दीजिए एक पुराण पे, 2 उपनिषदों पे 10 दिन का कोर्स, एक एक उपनिषद, मैं एक एक मंत्र में जब डूबता हूँ तो पूरा दिन डूबा रहता हूँ, मंत्र इतनी सुंदर व्याख्या सब है, और मैं बताने बैठूंगा तो पूरी पूरी रात हो जाएगी, भागवत कथा ही शुरू हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बड़ा मैन पावर चाहिए, बहुत बड़ा फिनेंशियल पावर चाहिए, 5-7-8 लोगों की टीम चाहिए जो वीडियो एडिट करे, जो चीजों को लोड करे, जो रिसर्च करे। मैं अकेला अभी आपको यहां आने से पहले मेरे को 2-3 घंटे पढ़ना पड़ता है, सारी चीजों को एक जगह समराइज करता हूं कि कुछ कुछ, ये जो कंप्यूटर खुला हुआ आप देख रहे हैं उसमें नोट्स बनाए रहते हैं, तो अकेले मेरे से लिए संभव नहीं है। मुझे आपको मना करने से भी बुरा लगता है कि मैं वीडियो के छोटे छोटे कोर्स बना के आपके लिए डालूं करूं, मेरे पास जब टीम हो जाएगी
कभी ईश्वर ने चाहा कि फाइनेंशियल पावर मैं ही मजबूत होता हूँ, जैसे भी होगा, तो मेरी इच्छा है कि मैं करूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को मुझे समझाना है, स्कूलों में ले जाना है। हाँ, माँ बाप ही नहीं समझने को तैयार हैं, माँ बाप को तो आप क्या बताऊँ मैं, मुझे बच्चों से बहुत प्रेम है, उतना ही उनके माँ बाप से चिढ़ है, पूरा संस्कार ही नहीं दिया है। बच्चों को मैं देखता हूँ तो प्रेम से भर उठता हूँ, उनके माँ बाप को देखता हूँ तो वितृष्णा पैदा होती है मेरे अंदर, मैं क्या कहूँ, मुझे पीड़ा हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो चीज़ें जब कभी भविष्य में अब मेरे पास कोई टीम बनती है, कुछ होता है, तो मैं कोशिश करूँगा। अभी प्लीज़ आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, मुझे मना करना कोई चीज़ बहुत बुरा लगता है अंदर से, लेकिन छोटे छोटे वीडियो इन सबके लिए टीम चाहिए, वीडियो एडिटर्स चाहिए, लोड करने के लिए चाहिए, रिसर्च करने वाली टीम चाहिए, कंटेंट लिखने वाली टीम चाहिए। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अभी मैं 2-3 किताबें लिख रहा हूँ, ये भी मैं एक दिन शुरू किया था और हमारे दोस्तों की जो डिमांड आई, तो ये चूंकि फेसबुक लाइव है तो डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, लेकिन इसको बनाना, एडिट करना, उसमें ग्राफिक्स डालना, आपको महिषासुर समझा रहा हूँ तो उसमें 4 ग्राफिक्स, ये सब एक टीम का काम है, टीम वर्क है। उसके लिए ना तो मेरे पास सामर्थ्य है, ना फाइनेंशियल पावर है, ना टीम है, इसलिए इसकी रिक्वेस्ट आप नहीं करें। जब मेरी मेरा सामर्थ्य होएगा तो मैं खुद कर लूँगा। आपके आप चूँकि मुझे स्नेह देते हैं, आप सबका मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कल मैं महिषासुर की पूरे सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा। आप सब आए, यह मनोयोग से सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, 2 लोग होते तो मैं भी नहीं कर पाता। बहुत बहुत आभार, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप कर रहे हैं, ये आपकी वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।